हेलो दोस्तों, एचएक कंपाउंड एकेडमी एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, हम एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं ये जानेंगे। देन हम जानेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ मेकिंग अ पोर्टफोलियो और इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ पोर्टफोलियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या होता है, डेफिनेशन को जानते हैं। अ पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कॉमोडिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एज वेल एज देयर फंड काउंटर पार्ट। मतलब कि जो हमारा पोर्टफोलियो होता है एक तरह का ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, जो एसेट स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, बॉन्ड से रिलेटेड, कॉमोडिटी शेयर से रिलेटेड होते हैं, या कैश इक्विवेलेंस से रिलेटेड होते हैं। ये सारे जो एसेट्स हैं इनको इंक्लूड करके हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं फोर डिफरेंट स्टेप्स टू मेक अ प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो। चार ऐसे डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम इंक्लूड करके ना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट गोल एंड रिस्क टॉलरेंस। मतलब कि हमें डिटरमाइन करना है कि हम अपने जो पोर्टफोलियो में है एप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन कर सके, और क्या इससे क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट गोल है और रिस्क टॉलरेंट बोथ इंक्लूड हो सके इसमें। सेकेंड स्टेप, पिक द इंडिविजुअल एसेट फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। हम अपने पोर्टफोलियो में ना इंडिविजुअल एसेट्स को इंक्लूड करें, डिफरेंट इंडिविजुअल एसेट्स को इंक्लूड करें। थर्ड स्टेप, मॉनिटर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड चेकिंग टू सी हाउ थिंग हैव चेंज। थर्ड स्टेप में आपको अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहना है और डाइवर्सिफिकेशन देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। फोर्थ स्टेप, मेक एडजस्टमेंट व्हेन नेसेसरी डिसाइडिंग विच अंडरवेटेड सिक्योरिटी टू बाय विद द प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द ओवरवेटेड सिक्योरिटी। फोर्थ स्टेप में इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है ताकि आपका जो अगर कोई ऐसे सिक्योरिटी अंडरवेटेड हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बाय करें, या कोई सिक्योरिटी ओवरवेट हो जाए तो कैसे उसे सेल करें, इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते रहना है। तो ये फोर डिफरेंट स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। नेक्स्ट हम जानते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो बनाने से क्या हमें फायदे होते हैं? सबसे पहला जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इससे हमें एक अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मिलता है। मिनिमाइज द रिस्क, जो भी रिस्क है वो हमारे कम हो जाते हैं। कस्टमाइजेबल सोल्यूशन मिलता है। रिड्यूस कॉस्ट एंड सेव टाइम। इससे क्या होता है कि जो हमारे कॉस्ट हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हमारा जो टाइम है वो सेव होता है। तो ये इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। दोस्तों आज हमने जाना व्हाट इज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो, कैसे हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फोर डिफरेंट स्टेप्स जाने हमने। फिर हमने जाना कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है एक पोर्टफोलियो बनाने के। फिर हमने जाना, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।